नमस्कार, आज हम बनाएंगे कद्दू। कद्दू एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं, ये बहुत अच्छा बनता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फटाफट बन जाता है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 750 ग्राम कद्दू, जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया। और इसमें मैंने छिलका है वो रहने दिया है, अगर छिलका येल्लो हो तो आप इसे निकाल दें, बाकी छिलके के साथ बनाएं, बहुत अच्छा बनता है। यहाँ मैंने लिया है जीरा, सौंफ, राई, कलौंजी, दाना मेथी, ये सब मैंने सेम अमाउंट में लिए हैं। जब पैन में तेल है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम सारे मसाले एक साथ इसमें डाल देंगे। और जो सब्जी में जो मेन टेस्ट है वो इन्हीं मसालों का है। इसमें ऐड किया मैंने हींग पाउडर। और जब ये अच्छे से पक जाएंगे मसाले तब इसमें हम कद्दू ऐड करेंगे। ये देखिए राई है वो चटकने लग गई है, तो हम इसमें कद्दू डाल देंगे। और कद्दू को हम 5 से 6 मिनट के लिए तेल में फ्राई करेंगे। जब 5 से 6 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे और हम हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद में हम इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और साथ में हम डालेंगे अब मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और साथ में 1 चम्मच हम अमचूर पाउडर डालेंगे। इसमें अमचूर आप जरूर डालें। और कसूरी मेथी डालेंगे हम हाथ से अच्छे से क्रश करके, और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे और इसे हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे और चलाते रहेंगे इसको, ताकि सब्जी है वो नीचे लगे ना। अभी सब्जी है वो पकी नहीं है तो मैंने इसको फिर से ढक दिया और फिर से हम 4 से 5 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। हम इस तरीके से देखेंगे कद्दू है वो पक चुका है। अब इसको हम बिना ढके पकने देंगे थोड़ी देर, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। आप देख सकते हैं इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सूख गया, सब्जी बनके तैयार है। हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, सब्जी बहुत अच्छी बनती है। हम फ्लेम बंद कर देंगे, सब्जी बनके तैयार है। आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।